साल 2017 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को बड़ा झटका लगा था जब शो की जान दयाबेन उर्फ दिशा वकानी ने शो छोड़ने का ऐलान किया था। उस समय से अब तक 5 सालों में कई बार दिशा वकानी को लेकर तरह तरह की खबरें आती रहीं। कभी कहा गया कि वह शो को फिर से ज्वाइन करेंगी, तो किसी ने कहा कि वह अब शो में नजर नहीं आने वाली हैं। और अब दिशा वकानी के लिए काजल पिसाल का नाम सामने आ रहा है कि वह तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल की पत्नी दया का रोल करने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तारक मेहता के मेकर्स ने काजल पिसाल को दया के किरदार के लिए अप्रोच किया है। सूत्रों का कहना है कि अगर काजल फाइनल हो गई तो वह अगले महीने से शो की शूटिंग शुरू कर देंगी। हालांकि अभी तक ऐसी खबर पर ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। काजल इससे पहले सिर्फ तुम जैसे सीरियल से फेम हासिल कर चुकी हैं। काजल के वर्क फ्रंट की बात करें तो अब तक वह सिर्फ तुम के अलावा बड़े अच्छे लगते हैं, नागिन फाय, साथ निभाना साथिया जैसे शोज में काम कर चुकी हैं। अब ये बेहद दिलचस्प होगा कि वह दयाबेन के किरदार में कब नजर आएंगी। अब बस इन खबरों पर कन्फर्म का मुहर लगना बाकी है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।